हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज जोधपुर आ चुके थे, पिछले व्लॉग में आपने देखा कितनी तारीख आज है भाई 16 मई। तो अभी जा रहे हैं एम्स में, कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट कराना है मेरे को। राइट कान है मेरा, तो राइट कान से मेरे को काफ़ी टाइम से बहुत कम सुनता है, बहुत ही कम, पहले सुनता ही नहीं है सच्चे में भाई, नहीं सुनता राइट वाले कान से मेरे। तो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बाकी छोटा मोटा रंगा साहब का भी है। तो अभी चलते हैं एम्स, देवेश डॉक्टर देवेश हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी बस वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या होता है। भाई राजस्थान में धूप बहुत तगड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा है रंगा साहब। गर्मी भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एम्स की बिल्डिंग है भाई ये, बाकी देखते हैं अब अंदर जाके। भाई 5th फ्लोर OPD आ चुके हैं एम्स में है रंगा साहब। भाई ये जनरल सर्जरी के डिपार्टमेंट है सारे। रंगा साहब का वेट हो रहा है, अब जल्दी चढ़ो। कितना वेट है गाइस? 53.5 किलो। कितना है भाई? 57 kg वेट से गाइस, 57 देख लो। तो भाई जनरल सर्जरी को अभी दिखाया हमने, तो इसको कुछ दिक्कत तो पता ही नहीं, बस अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ एक दो टेस्ट लिखे हैं, तो वो टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या आता है, कुछ मुझे तो लगता नहीं कुछ आएगा, वो परमानेंट एक इलाज हो जाएगा, टेंशन ख़त्म भाई। भाई ये ओब्स गायनी के पास अभी दिखा रहे हैं रंगा साहब, अभी अंदर गए हैं, देखते हैं भाई क्या आता है यहाँ से। तो भाई वहाँ से भी होम हो के आ चुके हैं, नॉर्मल है सब कुछ। अब देख रहे हैं कहाँ जाते हैं नेक्स्ट, क्या होता है, मतलब देखते हैं क्या सीन है भाई। भाई रंगा साहब के सारे चेकअप वगैरह हो गए हैं, रंगा साहब बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज पता है पेट पड़ना कि मैं दर्द हो गया ना मेरे, भाई मेरा कान है, मेरे कान में शायद दिक्कत हो गया, मैं अपना कान का ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या सीन है भाई। राजस्थान की गर्मी बहुत तगड़ी है भाई, पूछो मत यार, गाड़ी इतनी गर्म है। तो भाई मेरे कान का मैंने अभी चेक कराया, तो मेरा राइट वाले कान, पहले कभी कान में छेद हुआ है वो दिख गया है, तो इस वजह से थोड़ा कम सुन रहा। बाकी एक टेस्ट है, वो टेस्ट शायद कल करवाता हूँ मैं, देखता हूँ या देखता हूँ शायद आज हो जाए, जैसी भी है। तो टेस्ट होने के बाद फिर पता लगेगा एग्जैक्टली कि मेरी हड्डियों में, कान मतलब हड्डी में दिक्कत है या नसों में दिक्कत है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरा ट्रीटमेंट होगा, देखते हैं क्या है भाई। तो अभी जा रहे हैं हम एम्स की मैस में खाना खाने के लिए, देखते हैं कहाँ है भाई। भाई हमारा खाना मैस में आ चुके हैं गाइस, ये देखो भर गई, रंगा साहब ने पूरी खाली कर ली। तो भाई अब एम्स की मैस में हम खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या करते हैं, भूख बहुत ज़ोरों से है। बाकी टेस्ट देखते हैं आज होता है यानी कल होएगा, अब हमारा खाने पर ध्यान। सो भाई अभी कान का एक टेस्ट कराना है, तो टेस्ट कराने के लिए डिपार्टमेंट में अभी जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट में जाके देखते हैं, कोई PMR करके बोला है वहाँ कुछ टेस्ट होगा, तो देखते हैं टेस्ट का क्या रहता है, तो फिर आपको बताता हूँ। बाकी मेरे राइट वाले में है थोड़ा इशू पता लगा है, बाकी अपडेट आपको आगे दूंगा। भाई PMR में चेक करवा लिया, पता नहीं हेडफोन सा लगा के कान में आवाज़ें निकाली, चेक करवाइए भाई कैसी कैसी आवाज़ आ रही है। भाई रिपोर्ट अपनी ये आई है, पता नहीं मैं तो रीड कर नहीं पा रहा, ये क्या ग्राफ सा बनाया है, कैसे क्या है राइट लेफ्ट का। तो अब देखते हैं भाई रिपोर्ट में क्या रहा, अब देखते हैं कितना इशू है या नहीं। तो भाई रिपोर्ट अपनी रीड करवा ली है, उसमें हेयरिंग लॉस तो मेरा है राइट वाले कान में, लगभग 40-50% मेरा हेयरिंग लॉस है थोड़ा सा, बाकी पर्दा ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो सेंसिटिव स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो फिर देखते हैं क्या रहता है भाई, क्या नहीं रहता है, और तो क्या। इंतजार कर रहे थे काफ़ी देर बाद, डॉक्टर देवेश आए हैं घर, इमरजेंसी की ड्यूटी लगी हुई है, कभी भी कॉल आ सकती है पेशेंट वेशेंट की, इसलिए मैं चलो कोई नहीं, आ जाओ आ जा रंगा साहब, डॉक्टर देवेश आ ली। तो भाई अब देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई हम देवेश के लिए कुछ छोटा सा लेके आए थे गिफ्ट, देवेश भाई अपना खोल रहे हैं, क्या है भाई देखो इतनी तगड़ी पैकिंग, कूड़ा खिंड गया पूरे रूम में छोटा छोटा, लेकिन कोई बात नहीं इसको और सफाई करेंगे, क्या है भाई। ओ ये गौतम बुद्ध जी, कैसा लगा भाई, ठीक है बढ़िया है तेरी, अनएक्सपेक्टेड सही नहीं है, ये उम्मीद से काफी ऊपर, चलो सही भाई। इसकी दीवार है ना खाली थी, मेरे को पता था व्हाइट व्हाइट दीवार है, तो इस पर बढ़िया सा लगाएंगे ना तो अच्छी लगेगी, उम्मीद ना थी।
हाँ वेर सही है, चलो अच्छी बात है। सो गाइस जॉन जोधपुर बाय द पार्क, हम यहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई खाना खाने के लिए जा रहे हैं, फिर खाना खा के फिर बताता हूँ कैसा है क्या है। तो भाई अभी हम आए थे डिनर करने के लिए, कहाँ पे आए हैं भाई? जोधपुर में देवेश भाई के साथ, हमारे पास और रंगा साहब भी साथ में। और भाई ये देख लो गाइस खा रहे हैं। तो भाई ये देख लो देवेश भाई पेट भर के खाना है। रंगा साहब बढ़िया ठीक है ना? चलो ठीक है गाइस अब खाते हैं। बफे है भाई, दुनिया भर की डिशेज इतना खा लेगी ना, सही है। ओके तो भाई हमारा ध्यान अभी खाने पे, खाना खाते फिर मिलते हैं यार। रंगा साहब कहाँ घूम रहे हो यार? बढ़िया यार लोकेशन। तो भाई खाना खा के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। बफे था, रंगा साहब ने इतना खाया जिसकी कोई हद नहीं है। इतने मैंने पूरे किए ना, मतलब किसी ने वसूल नहीं किया, मैंने खाया। इस बंदे ने कुछ नहीं खाया भाई, जितना खाया मैंने खाया भाई। मैं लास्ट तक था, थोड़ा सा लिया था, वो भी छोड़ दिया, झूठा मुझे खाना पड़ा। ये देखिए भाई पतला हो रहा है, हम नहीं नहीं खा खा के मोटे नहीं हो रहे, खा खा के मोटे नहीं हो रहे भाई, हमने खूब दबा के खाया। फाइनली भाई खाना वाना खा के अब जा रहे हैं हम बाहर चाय की टपरी पे। चाय की टपरी पे जा रहे हैं, चाय की टपरी पे देखते भाई देवेश भाई चाय की टपरी, क्योंकि देवेश भाई कुछ भी खा सकते हैं लेकिन उसके बाद इसको चाय चाहिए। यस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। एम्स से आ चुके हैं हम, तो एम्स आने के बाद आपने देखा मेरा रिपोर्ट, तो एक राइट वाले कान में है थोड़ा इशू, कुछ ज़्यादा ही इशू है भाई, तो देखेंगे उसको। तो बस अभी आके रेस्ट कर रहे हैं, तो भाई जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।